मन की बात कार्यक्रम का 115वां एपिसोड, डिजिटल अरेस्ट पर बोले पीएम मोदी। मन की बात कार्यक्रम पर बोले पवन खेड़ा, कहा डिजिटल अरेस्ट आज एक बड़ी चुनौती। मैत्री द्वार का अमित शाह ने किया उद्घाटन, भारत बांग्लादेश सीमा पर यात्री टर्मिनल का उद्घाटन। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है, देख रहे हैं आप आज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों महापुरुषों के सामने अलग अलग चुनौतियां थी, लेकिन उनका विजन एक ही था, देश की एकता। इसके अलावा उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में एनिमेशन के क्षेत्र में भारत के विकास पर भी चर्चा की। मन की बात के 115वें एपिसोड में पीएम ने डिजिटल अरेस्ट का भी मुद्दा उठाया, बताया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट के तहत फ्रॉड हो रहा है और लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। पीएम ने कहा कि ये लोग फोन कर ऐसा वातावरण बना देते हैं कि आप डर जाते हैं। ये लोग करते हैं, ये करो नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये सब फ्रॉड है। पीएम मोदी ने इससे बचने के लिए एक रास्ता भी बताया, इसके लिए रुको सोचो और एक्शन को शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड को संबोधित किया। वहीं मन की बात कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा डिजिटल अरेस्ट आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं उन पर सरकार और हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आम लोग इसके शिकार ना हो। अक्सर रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को फेक कॉल आते हैं और लोग इसका शिकार होते हैं। मुद्दे ऐसे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसा है मुद्दा जो मुझे लगता है एक चुनौती है आज के दौर में। जिस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं उन फ्रॉड्स पर सरकार को और हम सबको पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए ताकि आम लोग जो बिल्कुल इनोसेंट हैं वो इसके शिकार न हो जाएं। अक्सर कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं और वो हार्ट अटैक तक हुआ है लोगों को, झांसे में आ जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के पेट्रा पोल में लैंड पोर्ट पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार नामक कार्गो गेट का उद्घाटन किया। पेट्रा पोल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पेट्रोपोल भारत बेनापोल बांग्लादेश व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट रोड स्थित हरुआ के काजीसराय इलाके में 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने परिक्रमा करते हुए विधि विधान से बजरंगबली की पूजा अर्चना की। बता दें 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण राजस्थान के कारीगरों द्वारा किया गया है, जिसे बनाने में 2 साल लगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। वहीं उपचुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा तेज प्रताप बड़े अंतर से विजयी होंगे, भाजपा सभी 9 सीटों पर हार जाएगी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सभी सीटों पर विजयी होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।